नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस की जारी दूसरी लहर के बीच एक बेहद ही चिंताजनक खबर सामने आई है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला ने कहा है कि देश में कोविड 19 वैक्सीन के उत्पादन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका ने महत्वपूर्ण कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंडिया टुडे के मुताबिक कोविड 19 वैक्सीन की डोज के उत्पादन में सीरम के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में एक सवाल के जवाब देते हुए अदर पूनावाला ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं वहां जाऊं और खुद अमेरिका में ये कहकर विरोध करूं कि आप महत्वपूर्ण कच्चे माल को रोक रहे हैं, जो कि कोवैक्सीन और भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों में वैक्सीन निर्माताओं के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ये ही सबसे बड़ी मुश्किल है और अब हम असल में इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत अभी है। हमें 6 महीने या 1 साल बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय तक हम दूसरे सप्लायर को विकसित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सीरम क्वालिटी और दूसरी सप्लाई के कमी के कारण चीन से कच्चे माल का आयात नहीं कर रहा है। वहीं अदर पूनावाला ने NDTV से बात करते हुए कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अदर पूनावाला ने पहले कहा था कि सीरम काफ़ी रियायती दर पर शुरुआती 100 मिलियन डोज की आपूर्ति को सहमत है, लेकिन अब उनका मानना है कि कंपनी को अब की तुलना में बड़ा मुनाफा कमाना चाहिए था, ताकि इस राशि को उत्पादन और सुविधाओं के लिए निवेश किया जा सकता और वैक्सीन की अधिक डोज उपलब्ध कराई जा सकती। पूनावाला ने बताया कि सीरम का लक्ष्य प्रत्येक महीने 10 से 11 करोड़ खुराक का उत्पादन करना है। उन्होंने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की हर महीने 6 से 6.5 करोड़ खुराक बना रहा है। वहीं इस साल जून तक प्रति माह 10 से 11 करोड़ खुराक के उत्पादन को बढ़ाना है। इसमें सबसे पहले भारतीयों की देखभाल के लिए सरकार के साथ काम करना है। आपको बता दें कि इस वक्त देश भर में कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज के तहत 45 साल की उम्र से ज़्यादा आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक सरकार ने करीब 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।